सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू साइलेंस एडिटिंग जोन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूं और इसमें आप लोगों को 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके ना आप अपनी फोटो को काफी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। पहले टिप्स में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी फोटो के बैकग्राउंड को ना दोस्तों HD ब्लर कैसे कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पे आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो को जो है फेस ना कैसे अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आप अपनी फोटो को ऑयल टाइप में कैसे कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट ऐप को ओपन करके सिंपल से इस प्लस वाली आइकन पे क्लिक कर देंगे, और कर लेने के बाद आपको जिस भी फोटो को एडिट करना होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि गाइस, मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फ़ोटो को अपनी स्नैपचैट ऐप में ओपन कर लिया हूँ। और ओपन कर लेने के बाद ना गाइस, आपको पहले स्टेप में क्या करना होगा, सिंपल से इस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक करके, और यहाँ पे आपको ऊपर साइड में ना कोने में ट्यून इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सेटिंग क्या रखना होगा, इसकी ब्राइटनेस को हम लोग ना थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और ऐसे आके नीचे इसकी एक एम्बाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम लोग फुल्ली इंक्रीज कर देंगे। आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा इसे, और इतना कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो भी स्किन जो है जहाँ जहाँ पे डार्क था ना, वहाँ पे लाइट आ चुकी है और काफ़ी परफेक्ट लाइट आ चुकी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नीचे आके इसकी हाईलाइट को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करके शैडो को ना ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, और ये सेटिंग आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग करके सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आफ्टर बिफोर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन पे ना जहाँ जहाँ पे अभी भी लाइट परफेक्ट नहीं आया है, तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट टूल की मदद से डाल लेते हैं। उसको डालने के लिए इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे, और सिंपल से यहाँ से सेलेक्ट वाले टूल्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और अपने जहाँ जहाँ पे स्क्रीन पे डार्क है वहाँ पे इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना होगा, और ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज करके नीचे आ जाएंगे, और इसकी सैचुएशन को हम लोग डिक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, और ऐसे आप जब जहाँ जहाँ पे स्क्रीन है फटाफट से आप कर लीजिएगा। सो गाइस, इसके बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आप लोग फोटो अपना देख सकते हैं आफ्टर बिफोर भी, यहाँ से हम लोग की फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से चमक आ चुकी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बैकग्राउंड को फुल हाई में ब्लर करने वाले हैं, हाई टोन में ब्लर करने वाले हैं, वो भी फुल HD में। तो ब्लर करने के लिए सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके, और यहाँ पर एक हीलिंग का आप लोगों के सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हीलिंग वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और कर लेने के बाद ना आपको अपनी बॉडी को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करके और ऐसे छोड़ देना होगा, और जैसे ही आप छोड़ेंगे ना वहाँ से हट जाएगा। तो अगर हम इतना पार्ट को फिर से सिलेक्ट करके और ऐसे छोड़ देंगे, और जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे यहाँ से पूरा आपका जो है ना बॉडी रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ऑल टू ऑल आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से बचेगी। तो इसके बाद इस पेंसिल वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और सिंपल से आपको ऐसे नीचे आ जाना होगा, और आ जाने के बाद यहाँ पे एक लेंस ब्लर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लेंस ब्लर वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और सिंपल इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को हम लोग फुल्ली 100 रख लेंगे, और इसकी सेकंड नंबर को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे, और थर्ड वाले नंबर को भी हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, और दोनों उंगली से ऐसे पकड़ के ऐसे छोटा करके जहाँ पे आपका बॉडी था ना वहाँ पे इसे लाके, और सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपकी पूरी बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से ब्लर हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे साइड में इस तीर वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाइस शेयर करेंगे ना, तो ये जो है बैकग्राउंड हम लोग का गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक कर लेंगे, व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जितना हम लोगों ने लेयर यूज किया है यहाँ पर आप लोगों का लेयर आ जाएगा। तो सिंपल से हम लोगों को यहाँ पर ना जो सिलेक्टिव वाला टूल्स है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा हम लोग इसी ऑप्शंस पे आ जाएंगे, पिछले वाले ऑप्शंस पे। तो आ जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा, और बैक हो जाने के बाद आपकी पूरी फ़ोटो इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद इस पेंसिल पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और नीचे साइड में इस डबल एक्सपोजर के आइकन पर क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जिस बैकग्राउंड को हम लोगों ने शेयर किया था ना, ये बैकग्राउंड हम लोगों का बोला था कि गैलरी में सेव हो जाएगा, तो इसे हम लोग यहाँ से ले लेंगे,
और इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पे क्लिक करके ना इसकी ओपेसिटी को 100 कर देंगे और सिंपल से आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। और कर लेने के बाद ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेते हैं। गाइज ब्रश को लेने के बाद यहाँ से आपकी साइज जो है 100 हो जाएगी। तो सिंपल से आपको अपनी बैकग्राउंड पे कुछ इस टाइप से ऐसे ब्रश को चलाना होगा। तो आप हम ऐप से फोटो को आप जूम कर लीजिएगा और जूम कर लेने के बाद ना सिंपल से आपको अपनी बॉडी को छोड़ के ऐसे बैकग्राउंड पे इस ब्रश को ऐसे चला देना होगा। तो मैं फटाफट से ऐसे चला लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा टाइम दे के चला लीजिएगा। सो गाइस जैसे ही आप यहां से ड्रॉ करेंगे ना तो आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है और काफ़ी हाई टोन में ब्लर हो चुका है। तो हो जाने के बाद सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा और यहां से आप लोगों को बैक हो जाना होगा। सो गाइस जैसे ही आप बैक होंगे ना तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो कितना औसम तरीके से हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे लैटू मोबाइल में। तो शेयर करने के लिए इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेते हैं और सिंपल से यहाँ से अलर्ट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक कर लेने के बाद आपको अपनी फ़ोन को ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे एक लैटूम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। गाइस क्लिक कर लेने के बाद ऑल फोटोज़ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। और कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो कुछ इस टाइप से है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसकी लाइट वाले ऑप्शंस पे हम लोग चले जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से इसकी एक्सपोजर को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा के हाईलाइट को डिक्रीज करके शैडो को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से वाइट को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और इसकी ब्लैक्स को ऐसे डिक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ये सेटिंग रख लीजिएगा और रख लेने के बाद ना सिंपल से आपको क्या करना होगा, इसकी कलर्स वाले आइकन पर आना होगा और आने के बाद इसकी मिक्स टूल वाले ऑप्शंस पे आपको चला जाना होगा। और चला जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से ना ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुएशन को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे और इसके ह्यू को भी हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे और येलो कलर को यहाँ से सिलेक्ट करके और इसकी भी सैचुएशन को हम लोग डिक्रीज कर देंगे और ह्यू को भी हम लोग डिक्रीज कर देंगे। गाइज जैसे ही आप ये सेटिंग करेंगे आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी और काफ़ी औसम लग रहा है। इसके बाद अपनी फेस वाली कलर को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी सैचुएशन को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और ये सेटिंग आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा और कर लेने के बाद ना इसकी बगल वाले कलर को भी हम लोग लेके ना यहाँ से इसकी ह्यू को हम लोग थोड़ा सा प्लस साइड में लेकर जाएंगे और सैचुएशन को भी हम थोड़ा सा प्लस साइड में लेकर जाएंगे। और इसके बाद ये ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी ह्यू को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके और सैचुएशन को इंक्रीज करेंगे और जैसे ही आप ये पूरी सेटिंग्स करेंगे आपकी पूरी फ़ोटो आल टू आल कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी और काफ़ी औसम भी लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी क्लियरिटी को ऐसे इंक्रीज करके और डीहाइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे और विग्नेट को ऐसे डिक्रीज कर देंगे। और ये सेटिंग रख लेने के बाद अगेन इसके नीचे वाले टूल्स पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसकी शार्पनिंग को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स को इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, फिर कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज करके यहाँ से डिटेल्स को इंक्रीज कर लेंगे। और ये सारा सेटिंग गाइज कर लेने के बाद आल टू आल आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने लिप्स पे ना लिपस्टिक लगाने वाले, तो उसके लिए आपको ऐसे ऊपर आना होगा और इसके सिलेक्टिव वाले टूल्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को ले लेना होगा। पहले नंबर वाले ब्रश को ले लेने के बाद आपको अपने लिप्स पे कुछ इस टाइप से इसे चला देना होगा और सिंपल से गाइज आपको कलर्स वाले आइकन पे चले जाना होगा और नीचे के बाद यहाँ पे कलर ह्यू के ऑप्शन पे जाके ना यहाँ से इसे रेड पे लेकर जाके छोड़ देना होगा और यहाँ से सिंपल से आपको राइट क्लिक कर देना होगा। गाइज जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपकी पूरी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फेस को स्मूथ करने वाले हैं। तो उसको स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इस फ़ोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेते हैं अपनी ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो सिंपल से यहाँ से स्केच बुक में इस फ़ोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे। गाइज कर लेने के बाद ना सिंपल से आपको क्या करना होगा, अपनी फ़ोटो को मैं ऐसे कुछ इस टाइप से रोटेट कर लेता हूँ
और कर लेने के बाद आपको यहाँ से इसकी टूल्स वाले आइकन पे जाना होगा, और जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ब्रश देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक स्मर्ज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले कटघरे में आ जाने के बाद ना गाइज, आपको सिंपल से लास्ट से तीसरे नंबर वाले ब्रश को ले लेना होगा, और इसकी सेटिंग्स पे जाने के बाद ना आप यह जो मैंने सेटिंग रखा है इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। सेम आप ये भी सेटिंग कर लीजिएगा, फ्लो को 4 रख लीजिएगा और स्ट्रेंथ को 7, और साइज अपने हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। तो कट वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे, और फोटो को सिंपल से आपको ऐसे जूम करके और यहाँ से नीचे साइड में एक बूंदा का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ना गाइज, ब्रश पे हम लोग ऐसे अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ से साइज़ हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए साइज़ को भी मैं 50 रखता हूँ, और रख लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना होगा जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रहेगा इस साइज़ को आपको ना एक बराबर करके नहीं मारना है, जहाँ पर जिस साइज़ को लगे वही साइज़ को आपको करना है, और जब भी आप ब्रश को चलाएँ तो राउंड राउंड करके ब्रश को चलाएँ। तो मैं फटाफट से ऐसे सारी अपनी स्क्रीन पे चला लेता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइज, ऐसे कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का फेस काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है और काफ़ी ऑसम सा लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों का फेस भी काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके गैलरी पे क्लिक करके सेकंड नंबर पे क्लिक कर देंगे, और हम लोगों की ये वाली फ़ोटो जो है ना गैलरी में सेव हो जाएगी। हेयर को ऑयल टाइप में नहीं करने आता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उस वीडियो को जाके आप वॉच कर लीजिएगा। अभी अपने हेयर को ऑयली टाइप में कर लेंगे तो